श्यामू काका, दीपक अभी तक आया नहीं। आता ही होगा मालकिन, दोस्तों ने रोक लिया होगा। क्यों रोक लिया होगा? उसे मालूम नहीं मेहमान आने वाले हैं? उसे घर की माँ की जरा भी चिंता नहीं। वो अब बच्चा नहीं रहा, आज उसकी 21वीं सालगिरह है। अरे अरे, 21वीं सालगिरह का मतलब है दीपक कि तुम्हारे दूध के दांत अब टूट चुके हैं। आज तुम बचपन को अलविदा और जवानी को खुशामदीद कहोगे। नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता। अरे शराब हम भी कहाँ पीते हैं, आज तो सिर्फ तुम्हारी खातिर पी रहे हैं। चीयर्स फॉर दीपक। जो पीता नहीं वो जीता नहीं। देर होगी, अब तक न मेहमान आए
न दीपक आया। दीपक कहाँ चले गए थे? दीपक इतनी देर तुम्हें कहाँ हो गए? कहीं नहीं माँ। शराब पी है तुमने? शराब पी है तुमने? बोलते क्यों नहीं? शराब पी है तुमने? नहीं माँ। नहीं, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। अलकिन, ये क्या पागलपन है? तुम हट जाओ शामू काका, मैं इस घर में दोबारा वो आग नहीं लगने दूंगी जिसके अंदर मैं अब तक जल रही हूँ। इधर आओ, देखो अपने पिता की तरह। मालूम है कितने बड़े आदमी थे तुम्हारे पिता, समाज में कितना मान सम्मान था उनका, इज्जत उन्हें सलाम करती थी, दौलत उनके कदम चूमती थी। धन्यवाद कलाचंद जी, आपने याद किया, हम हाजिर हो गए। क्या हो तुम? आइए मेरे साथ, मैं आपको हिंदुस्तान की झलक दिखाऊं जिसने बनाने कैलाश। ऐसे कैलाश नगर हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में होंगे, दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये भी अपनी जगह पूरे शहर होंगे। इसमें मिले होंगी, गोदाम होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, रहने की बस्तियां होंगी, सिनेमा हाउसेस होंगे। ये आपके ख्वाब हैं कैलाश चंद जी, एक नई किस्म की बादशाहत कायम करने की। हाँ, ख्वाब इंसान की सबसे बड़ी दौलत है रतन सेठ। आज की दुनिया कल के इंसान का ख्वाब ही तो है। ये रफ्तार, ये साइंस की तरक्की, ये मोटरें जिस पे आप और हम बैठते हैं, ये भागती दौड़ती रेलगाड़ियां, या आसमान पर उड़ते हुए हवाई जहाज, वो ख्वाब हैं जो कल के इंसान ने देखे थे। इनके बगैर मैं क्या होता, आप क्या होते और दुनिया क्या होती। लेकिन इतने रुपए आएंगे कहाँ से? रुपए आते नहीं, पैदा किए जाते हैं, दिमाग से, मेहनत से, कोशिश से, मेरी, आपकी, हम सबकी। हम आपके ख्वाब के हिस्से खरीदने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, तैयार है। मैं एक संगीत नृत्य अकेडमी की वाइस प्रेसिडेंट थी और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए कभी कभी स्टेज प्रोग्राम करती थी। नमस्ते। आपको अकेडमी का खत नहीं मिला? जी मिला, इसलिए हाथ जोड़ के कहने आई हूँ, जिस तरह भी बन पड़े मुझे अकेडमी में दाखिल कर लीजिए। आपने हमारे कायदे तो पढ़े होंगे? जी पढ़े हैं। इसमें साफ लिखा है कि हमारे अकादमी में सिर्फ अच्छे घरों के लड़के और लड़कियों को दाखिला दिया जाएगा। और आगे ये भी लिखा होगा, समाज ने ऊंच नीच की जो दीवारें चुनी हैं वो हमेशा कायम रहेंगी। आप हमेशा मिस्टर कैलाश चंद्र की पूज्य पत्नी ही रहेंगी और मैं हमेशा बाई संगीता बाई की बदनाम और रुस्वा बेटी सलोनी। आप भी यही चाहती हैं लक्ष्मी देवी कि मैं जिस गंदी नाली में पैदा हुई हूँ उसी में मुझे जीना भी चाहिए और वही मरना भी। देखिए, मैं आपसे हमदर्दी जरूर करती हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप अपनी हमदर्दी अपने पास रखिए उन गरीबों और अनाथों के लिए जिनकी सहायता के लिए आप ये डांस का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मैं कैलाश बोल रहा हूँ। ओह, सेठ आनंद लाल जी। हाँ बोलिए। हाँ, कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को है ना? हाँ, तो अभी तो 2-4 रोज पड़े हैं। अच्छा बताइए, वो राय बहादुर बलदेव राज आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, मैं जरूर आऊंगा जी, 6:30 बजे पहुंच जाऊंगा। नमस्ते डॉक्टर, आप यहाँ कैसे हैं? आपका लड़का सीढ़ियों से गिर गया। दीपक, जान का खतरा था मगर अब नहीं रहा। ओह, दीपक, दीपक, श्यामू, ये सब चोटें दीपक को कैसे आई? खेलते खेलते गिर गया मालिक। खेलते खेलते? लक्ष्मी कहाँ थी? वो चैरिटी शो के लिए थिएटर चली गई थी। अभी तक लौटी नहीं? नहीं। ओ, थिएटर।
हेलो क्वींस थिएटर, कैलाश चंद बोल रहा हूँ मैं। कैलाश चंद जी, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखिए सर, लक्ष्मी जी को बुला दीजिए। लक्ष्मी जी? वो तो स्टेज पे चली गई। से घर तक सारे रास्ते में फूल ही फूल बिछा देता। क्यों, आज बहुत पी लिए क्या? हाँ, आज कुछ बहुत ही पी रखी है। सुनाइए, शो कैसा रहा? बहुत कामयाब, लोगों ने खूब तालियां बजाई होंगी, वाह वाह से सारा हाल गूंज उठा होगा। आज एक बार फिर दुनिया ने आपके नाच का लोहा मान लिया होगा। क्यों, आप भी तो मानते थे? तब मेरी शादी नहीं हुई थी लक्ष्मी। नाच मुझे आज भी पसंद है, लेकिन ये कैसे पसंद हो सकता है कि मेरी बीवी मेरे बेटे की माँ हर किसी भरी सभा में जाकर नाचे? ये आप नहीं, शराब बोल रही है। शराब नहीं लक्ष्मी, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा पति तुम्हारे बेटे का बाप। वो भी तो कभी बेटे थे अपने माँ बाप के, जिनके लिए मैं शो करने गई थी। मेरे नाच से काफी रुपया इकट्ठा होता है, अनाथों के चंद आंसू सूख जाते हैं। रुपयों से अगर उनके आंसू सूख सकते हैं तो उससे ज्यादा रुपया मैं दे सकता हूँ। रुपया रुपया रुपया, उन बेचारों को सिर्फ रुपया नहीं चाहिए, उन्हें थोड़ी सी हमदर्दी चाहिए, प्यार चाहिए, जिस तरह आपको हर वक्त शराब चाहिए।
शराब मुझे इसलिए चाहिए लक्ष्मी कि मैं अपनी बीवी और मेरा बेटा अपनी मां खो चुका है, वो बेटा जो ऊपर जख्मी पड़ा। क्या हुआ दीपक को? सीढ़ियों से गिर गया था। दीपक, तुम कहां जा रही हो? दीपक की देखभाल के लिए और बहुत लोग हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, नर्सें हैं, डॉक्टर अभी अभी देख कर गया है, जरूरत पड़ी तो और भी आ जाएंगे। मैं दीपक की माँ हूँ, मुझे जाने दीजिए। यही बात तुम थिएटर जाते हुए और वहां जाकर नाचते हुए क्यों भूल जाती हो? तुम्हें मालूम नहीं लक्ष्मी, मुझे तुम्हारे नाचने से कितनी नफरत है। दीपक, 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 दीपक। हेलो, प्लीज होल्ड ऑन। आपका फोन। ये क्या? मैं सोच रहा हूं रात जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, वो फिर इस घर में नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, मैं अपने शौक में भूल गई थी। मेरा एक घर है, बेटा भी है, पति भी है। मैं आपको वचन देती हूं, मैं फिर कभी घुंघरू को हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं नाचूंगी। मैं भी वादा करता हूं लक्ष्मी, मैं आज के बाद कभी शराब को नहीं छूऊंगा। सच? हाँ सच लक्ष्मी। साहब, बाहर आया। मेरी बहन आ रही है लक्ष्मी। गीता आ रही है? हाँ। ए मोम साहब, दरवाजा खुलिए। दरवाजा नहीं खुलेगा, आप कोई दूसरा डब्बा देखिए। ये क्यों नहीं? ये रिजर्व है। देखिए, ये बहस हम डब्बे के अंदर भी कर सकते हैं। ये बहस हम इस तरह भी कर सकते हैं, मैं डब्बे के अंदर और आप बाहर। आप बड़े बेशर्म हैं जी, धोखे से अंदर आ गए। और आप बड़े खुदगर्ज हैं जी, आप हैं अकेली मगर चार सीटों पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। मेरे पास चार टिकटें भी हैं। ये जुल्म है सिर्फ इसलिए कि आप चार टिकट खरीद सकती हैं मगर चार सीटों पर कब्जा नहीं कर सकती। जुल्म और भी है दुनिया में, एक एक आदमी 40-40 कमरों वाले बंगले में रहता है, 10-10 आदमियों का खाना खाता है। आप उन जुल्मों के खिलाफ झंडी उठाकर इन क्लब से दबा का नारा क्यों नहीं लगाते? हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? देखो जरा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ, MBBS करके आया हूँ। ये गाड़ी क्या रुक गई? रुक गई, अभी देखता हूं। गार्ड साहब, ये गाड़ी क्यों रुक गई? अभी अभी पता चला आगे पुल टूट गया, मर गए। अब क्या होगा? कौन जानता है, दो दिन तक पुल बने या ना बने। मैं तो चला शॉर्टकट से अगले स्टेशन तक। आपको भी चलना है तो आइए मेरे साथ। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, तो फिर रहिए, अपनी चार सीटों पर आराम से सो जाइए, रात में आपको और भी मजा आएगा। ये जंगल का मामला है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। बाय बाय। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त। क्या? आपको अपना सामान खुद उठाना पड़ेगा, मंजूर? हाँ। फिर आइए।
मैम साहब ठहरने के लिए वक्त नहीं, जल्दी चलिए। लेकिन मेरा दम फूल रहा है। दम फूल ही रहा है ना, निकल तो नहीं रहा है। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। हद के अंदर हो नजाकत तो अदा होती है, हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। जिस्म का बोझ उठाए नहीं उठता तुमसे, जिस्म का बोझ उठाए नहीं उठता तुमसे। जिंदगानी का कड़ा बोझ सहोगे कैसे, तुम जो हल्की सी हवाओं में लचक जाती हो। तेज झोंकों के थपेड़ों में रहोगी कैसे। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। ये ना समझो के हर एक राह में कलियां होंगी, ये ना समझो के हर एक राह में कलियां होंगी। राह चलनी है तो कांटों पे भी चलना होगा। ये नया दौर है, इस दौर में जीने के लिए हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना होगा। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। कोई रुकता नहीं ठहरे हुए राही के लिए, कोई रुकता नहीं ठहरे हुए राही के लिए। जो भी देखेगा वो कतरा के गुजर जाएगा। हम अगर वक्त के हम राह न चलने पाए, वक्त हम दोनों को ठुकरा के गुजर जाएगा। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। हद के अंदर हो नजाकत तो अदा होती है, हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। दस हजार गाठे आखिर नहीं, आपके बाप जी आपके बाप।
drunk off from Calcutta. Please keep it pending. Give it to me after half an hour, will you? आपसे कहा ना खरीद लीजिए. हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए आप. साहब जस्ट चाय ठंडी. हाँ, चाय बाद में पी लेंगे. सेठ अल्लाह की मैं नौकर से चाय की बात कर रहा था. आप ऐसा कीजिए, जस्ट जस्ट होल्ड ऑन. जस्ट हेलो न्यूयॉर्क. पुट मी थ्रू, पुट मी थ्रू. आई एम होल्डिंग. जस्ट होल्ड ऑन प्लीज. जस्ट होल्ड ऑन. जस्ट होल्ड ऑन. Hold on, just hold on. Yes, New York. New York, you buy everything that comes near my figures, even at a premium. Yes, thank you, thank you. आप खरीद लीजिए सब की सब को कॉटन खरीद लीजिए. रतनलाल जी आप भी किसी कीमत पर भी खरीद लीजिए. हाँ चुनीलाल जी आप ऐसे ही खरीद लीजिए, जितने पैसे भी देने पड़े कोई डर नहीं. ट्रेन का वक्त हो गया है, उठो ना. अरे गीता की ट्रेन के मतलब तो मैं भूल ही गया था. आओ चलो चले. अरे इसी कपड़े में चलोगे? तुम्हारे होते हुए लक्ष्मी इधर कौन देखेगा भैया. अरे गीता, भाभी भैया. अरे पगली, हम तो स्टेशन जा रहे थे तुझे लेने. आज गाड़ी जल्दी आ गई क्या? गाड़ी छूट गई थी, मैंने हवाई जहाज ले लिया. हिंदुस्तान में भाभी हवाई जहाज भी चलते हैं. अच्छा, हमें तो जैसे पता ही नहीं कि हिंदुस्तान में हवाई जहाज चलते हैं. अरे दीपक कहाँ है? दीपक जल्दी कर सामू काका, हमें स्टेशन जाना. गीता दीदी को लेने के लिए. लो हो गया दीपक बेटे, चलो चलो. दीपक, गीता दीदी कैसे हो सामू काका? ठीक हो बेटी. अरे मैंने सुना तुम सीढ़ियों पर से गिर गए थे. वो तो पुरानी बात है बेटी, मैं बहुत खुश हूँ. क्यों? इसलिए कि तुम मेरी हैप्पी बर्थडे में शामिल हो. बस केक.